लेपर्ड टैंक ना मिलने से परेशान ज़ेलेंस्की के लिए राहत की खबर आ रही है। फ्रांस ने अपने लेक्लेयर टैंक सप्लाई के संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा लेक्लेयर टैंक देने पर हम ले सकते हैं फैसला। तो ये एक राहत की खबर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के लिए सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए टैंक्स को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं और लेक्लेयर की बात कर रहे हैं, हम लेपर्ड की बात कर रहे हैं। और जैसा कि थोड़ी देर पहले ये बात हो ही रही थी कि विंटर्स के बाद स्प्रिंग की ये तैयारी है, क्योंकि सबको पता है कि फिर ज़मीन पर आमना सामना होगा। और ऐसे में ये सारे टैंक कितने इफेक्टिव होंगे, यूक्रेन को कितनी मदद मिलेगी, क्योंकि नंबर्स ऑफ टैंक्स बहुत ज़्यादा नहीं है और जितनी डिमांड यूक्रेन की है वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। ज़रा हम इस टैंक के बारे में समझें, फ्रेंच टैंक लेक्लेयर। और देखिए फ्रांस अपना लेक्लेयर टैंक जो है यूक्रेन को दे सकता है, इसकी संभावना बनी हुई। अंतिम फैसले के लिए फ्रेंच रक्षा मंत्रालय में चर्चा जारी है इसको लेकर कि यूक्रेन को ये दिया जाए। हालांकि टैंक देने के पहले सहयोगियों से बात करेगा फ्रांस, उस पर एक सहमति बनाएगा और उसके बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मैक्रों ने जर्मनी जैसे देशों से चर्चा करने की बात कही और जर्मनी का स्टैंड हम लगातार बता रहे हैं कि उसके अपने टैंक को लेकर उसका क्या स्टैंड है। जर्मनी खुद अपना लेपर्ड टैंक यूक्रेन को नहीं दे रहा है, इसीलिए बार बार यह कहा जा रहा है कि आपस में देखिए कैसी असहमति नजर आ रही है। जर्मन लेपर्ड टैंक न मिलने से यूक्रेन को परेशान जो यूक्रेन है उसको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है अगर ये टैंक यानी कि फ्रांस अगर अपना टैंक यूक्रेन को दे देता है, तो कम से कम जो उम्मीद उसे जर्मनी से थी वो फ्रांस से पूरी हो सकती है। लेकिन आवश्यकता पूरी होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अशोक सर, यही सवाल मैं कर रहा था कि जो ज़रूरत है और डिमांड को लेकर जो सप्लाई है वो बहुत कम है, थोड़ी है। अगर 10-12 जैसा कि हम शुरू में बात कर रहे हैं, इन टैंकों के मिल जाने से भी क्या बेनिफिट होगा यूक्रेन? देखिए, ये मुझे लगता है कि ऑपरेशंस में तो कोई खास गेम चेंजर ये साबित नहीं होंगे, पर हाँ ये मोराल बूस्टिंग के लिए जो उनकी फोर्सेस हैं उनकी मोराल बूस्टिंग के लिए शायद ये काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। उनको ये लगेगा जो उनके ट्रूप्स हैं ऑन ग्राउंड जो फाइट कर रहे हैं उनको लगेगा कि हाँ भाई हमारे पीछे से रीइन्फोर्समेंट आ रही है। आज 12 आए हैं, हो सकता है आगे और टैंक्स आए। ठीक है, और मेजर जनरल ब्रजेश हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश जी, एक पॉइंट जरा क्लियर कीजिए, क्योंकि ये लेपर्ड टैंक को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं कि जर्मनी देने के लिए तैयार नहीं है, पोलैंड के पास जर्मन टैंक लेपर्ड है लेकिन वो जर्मनी की इजाजत का इंतजार कर रहा है, किस तरह की कंडीशंस होती हैं अगर आपने दूसरे देश का टैंक हासिल कर रखा है और उसे किसी दूसरे देश को सप्लाई करना है? देखिए, कोई भी हेवी आर्मामेंट का जी जो खरीद फरोख्त होता है वो सर्टन कंडीशनैलिटी और क्लॉजेस के बीच में होता है। ओके, ये सारे डील्स पॉलिटिकल होते हैं और स्वाभाविक है कि जिस समय उन्होंने इसको प्रोक्योर करने की ठानी होगी जो टर्म्स कंडीशंस हैं दे हैव टू बी फॉलोड, अदरवाइज कैन बी चैलेंज। तो ये जो चीज़ें हैं स्वाभाविक में कहूंगा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बीच में ये खबर आ रही है ना कि जर्मनी इनकार कर रहा है, लेकिन अब पोलैंड ने फैसला कर लिया है कि जर्मनी के इनकार के बावजूद हम देंगे, तो ऐसा क्या किया जा सकता है? ये मुमकिन है? ये एक अंदरूनी बात है, क्या है हम लोगों को समझना मुश्किल है, बट अच्छा। ये जरूर समझते हैं कि चर्चा भी की थी कुछ वजहों की सर कि सपोर्ट एड का ये हिस्सा नहीं है। खासकर दूसरा महत्वपूर्ण तर्क ये दिया गया था कि इतना समय तो इनकी ट्रेनिंग को लेकर लग जाएगा और तब तक शायद वो जरूरत और ज्यादा बढ़ जाएगी यूक्रेन की सपोर्ट के तौर पर। एब्सोल्युटली, देखिए जैसे एक टैंक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, राइट, तो उसको अगर हम ट्रांसफर करके कुछ फायदा नहीं है, उसकी ट्रेनिंग, उसका एम्यूनिशन, उसके म्यूनिशन सिस्टम, उसके मिसाइल सिस्टम, उसके एफओएल सारों का बंदोबस्त करना, लेकिन ठीक बात, प्लस इसको इंट्रोड्यूस करने में समय लगता है।